नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। माता पिता बच्चों के लिए ट्यूशन लगवाते हैं, अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल दिखाते हैं ताकि वह बच्चे अच्छे से पेपरों में मार्क्स लेकर आए, फिर भी नंबर उनके कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है जानिए इस वीडियो के दौरान। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर एकता उनकी एक साथ नहीं रहती है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में मन ना लगना एक सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाता है और माता पिता के लिए ये चिंता और भी बड़ी हो जाती है जब बच्चे जब मेहनत करने के बाद भी उन्हें वह सफलताएं नहीं मिलती हैं जो वह पाना चाहते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा ही कुछ है, आपके बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके बच्चों को कुछ नहीं हासिल हो रहा है, तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे ज्यादा समय दीजिए। क्योंकि यदि आप अपने बच्चों को अपने समय में से कुछ समय बच्चे के लिए निकालेंगे या फिर उनकी पढ़ाई पर फोकस देंगे तो बच्चा काफी हद तक आपको समझेगा और पढ़ाई में मन भी लगाएगा। बच्चों को ना तो कोई पूछने वाला होता है, क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण माता पिता यदि दोनों ही वर्किंग है तो बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चों को सिर्फ ट्यूशन के हवाले ही छोड़ दिया जाता है और जिसकी वजह से बच्चा क्या कर रहा है ये भी उनको नहीं पता होता है। यदि आपके जिंदगी में भी ऐसा ही है, आप बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो यह आपकी भी थोड़ी कमी हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आए तो उसके लिए जरूरी है कि आपको खुद भी मेहनत करनी होगी और साथ ही अपने बच्चे को थोड़ा टाइम देना होगा। जिस बिजी शेड्यूल में आप अपने वर्किंग के लिए काम निकाल रहे हैं उसी के लिए आप अपने बच्चे के लिए भी थोड़ा टाइम निकालें और बच्चों से जरूर पूछें कि बच्चे ने आज क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं ताकि बच्चे को भी लगे कि मुझसे कोई पूछता है और मुझे पढ़ना चाहिए, और ऐसे ही बच्चे को पढ़ने में मन भी लगेगा। और यदि ऐसा करने पर भी बच्चे का ध्यान एकत्र नहीं हो रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चे के जन्मदिन पर आप किसी भी बच्चे को, यानी कि जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ जैसे बुक, पेंसिल, रबड़, कटर या फिर कुछ भी जो पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं वह दान में दीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का मन गर्क होने लगेगा और बच्चा मेहनत भी करने लगेगा। और यदि आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर दान पुण्य का काम करते हैं तो आपके बच्चे का मानसिक सरोवर भी शार्प होने लगेगा, जिससे बच्चा पढ़ने लगेगा और बच्चे के पढ़ने की वजह से उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, अच्छे नंबरों से पास भी होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे मार्क्स से पास हो जाए तो इस उपाय को जरूर करें। ऐसा करने से बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।